हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, काफी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन अब आपको कोई भी घबराहट नहीं होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपके लिए कम्प्लीटली हमेशा की तरह जैसे पहले वीडियो लाता था वैसे ही लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इस ब्यूटीफुल ईयरफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तो स्क्रैम्बल दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी आप में से दोस्तों मुझे बताया कि हमें ऐसा ईयरफोन बताइए जो कि आपके बजट को सूट करता हो और अच्छा खासा ईयरफोन हो, जो कि आपके डेली ड्राइवर बन सके। तो दोस्तों, ये आ रहा है कंपनी दैट इज शाओमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, शाओमी की तरफ से आ रहा है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं डालने वाला हूँ, सिर्फ कुछ 2-3 मिनट की वीडियो होने वाली है। आप जरूर से देखिए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा अगर आप एक ईयरफोन कंसिडर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं की बात करें तो ये करीबन 600 रुपये की आ रही है, जो कि यहाँ पे कोटिंग हुई है 799 की, लेकिन आपको आराम से MI.com से 600 रुपये के मिल सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करें कि आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये आपको जो ये ऊपर वाली है ना दोस्तों, ये आपको बाकी बहुत सारे ईयरफोन मिलेंगे जो कि आपको प्लास्टिक के मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे ऊपर मेटल के मिलते हैं और ये कुछ एंगुलर हो गए हैं दोस्तों, तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल सूट करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जैसे इंसर्ट किया तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी माइक की, तो इसमें माइक भी मिलता है आपको, ऑडियो टेक्निका का CLR 100 भी मिलता है, जो कि उसमें माइक नहीं रहता है लेकिन उसकी साउंड अच्छी है। और इसमें आपको माइक मिलता है और यहाँ पे पॉज बटन मिलता है और आपको टेक और एंड कॉल भी कर सकते हैं। एक चीज़ इसके बाद में बता दूँ दोस्तों, कि ये बहुत सारे शाओमी के फ़ोन में सब में सपोर्ट करता है, लेकिन आप अगर नॉन शाओमी फ़ोन है तो आपको इसमें मे भी सपोर्ट कर सकता है, मे भी नहीं सपोर्ट कर सकता है, तो आप इसको जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी जैक के बारे में, तो यहाँ पे जो जैक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोटिंग नहीं है, लेकिन कोटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मुझे लगता है। और यहाँ पे ये एंगुलर भी नहीं है, तो आप अगर अपने पॉकेट जींस में घुसाने वाले हैं अपने फ़ोन्स को और इसको यूज़ करने वाले हैं, तो जरूर से आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं इसकी मेन हाईलाइट के बारे में, तो ये इसकी साउंड क्वालिटी कैसे हो रही है भाई। दोस्तों, साउंड क्वालिटी बता दूँ ऊपर नीचे है, लेकिन अगर बेस आपको जब उसको पसंद है तो बेस इसमें काफ़ी अच्छी मिलेगी। और अगर आप इसको डेली यूज़ करने वाले हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते रहते हैं, अगर आप इसी अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो जरूर से आपके लिए वो बाय पिक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर 600 रुपये को कंसिडर करा जाए, जो कि प्राइस पैकेट में साउंड प्रोवाइड कर रहा है और इसकी जो क्वालिटी को देखते हुए, तो जरूर से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ 600 रुपीज़ में। और एक ईयरफोन आता है, आप जैसे जानते हैं कि जो JBL का T150A आता है, जो कि करीबन 750 आता था, अभी पता नहीं कितना आ रहा है, लेकिन वो इससे अच्छा नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे मेरे हिसाब से अच्छा लगा है। और एक 299 का भी एक ईयरफोन आता था शाओमी की तरफ से इसी तरह का पहले, लेकिन वह अभी बंद हो चुका है। तो फिलहाल अगर शाओमी का ऑप्शन देखा जाए, तो यही एक ईयरफोन है जो कि उनके बजट में 600 रुपीज़ में आता है, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दैट इज़, ये टैंगल फ्री भी नहीं है, टैंगल फ्री है दोस्तों। जी हाँ, टैंगल फ्री है, और यहाँ पे कुछ भी आप कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, सिर्फ आराम से आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, सिर्फ 30 सेकंड्स लगेंगे या 10 सेकंड्स लगेंगे, आराम से इसको खोल पाएंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो जरूर से इसे भी कंसीडर करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देख सकते हैं आपको यूज़ करके, कुछ 1 साल यूज करिए, 2 साल यूज करिए या 6 महीने यूज करिए, कोई प्रॉब्लम दिक्कत आपको नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से। और दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर से बताइए कि आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा या नहीं। तब तक के लिए अलविदा।